हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम लड़कियां बहुत ही अच्छे से जानते हैं सैनिटरी पैड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बिना उन स्पेशल डेज में गुजारा पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए मार्केट में सैनिटरी पैड का कमी भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड्स जानते हैं इसे यूज करना हमारी मजबूरी है, और हमारी मजबूरी का फायदा तो ये बहुत ही अच्छे से उठाना जानते ही है। और मार्केट में अभी इतने सारे सैनिटरी पैड्स आ गए हैं कि इन सबके बीच में अपने पेट को बेस्ट प्रेजेंट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और अपने आपको बेस्ट रिप्रेजेंट करने के चक्कर में ब्रांड्स ने सैनिटरी पैड के साथ इनोवेशन करना भी शुरू कर दिया है, जैसे डुअल एक्शन जेल, मैजिक क्रिस्टल जेल, हर्बल ऑयल, परफ्यूम एंड अभी का सबसे लेटेस्ट वाला इनोवेशन सिरोना ने किया है। और सिरोना का इनोवेशन एकदम अद्भुत है, सबसे अलग। जहर इसी इनोवेशन के चक्कर में पैड को व्हाइट से ब्लैक कर दिया है, मतलब कुछ भी। अलग दिखने के चक्कर में ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, और इनकी इन्फ्लुएंस में आके हम भी कुछ भी यूज कर लेते हैं, जिससे हमारे हेल्थ का लग जाता है। क्योंकि दोस्तों, रिसेंटली सैनिटरी पैड को लेके बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, और उन रिसर्च से पता चल रहा है कि इस सैनिटरी पैड की वजह से हमें बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्या? जी हाँ, इन सैनिटरी पैड की वजह से हमें बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इस वाले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। क्योंकि आज हम बात करेंगे सिरोना के इस वाले इनोवेशन के बारे में, यानी कि सिरोना के ब्लैक सैनिटरी पैड के बारे में। क्या ये पैड ऑर्गेनिक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पैड ब्लैक कैसे है? क्योंकि पैड तो जनरली व्हाइट ही होता है, पर ये ब्लैक है, और इसे ब्लैक करने के चक्कर में कहीं कलर का तो यूज नहीं किया है सिरोना ने? और अगर इसका जवाब यस है तो ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सो इन सब सवालों के जवाब के लिए स्टे ट्यून, तो शुरू करते हैं। तो करना, ओके, थैंक यू। दोस्तों, इसका 10 एल साइज पैक का प्राइस है 159 रुपीस, मतलब एक पैड का प्राइस पड़ेगा 15.90 रुपीस। What? इतना महंगा मैंने कैसे इसे ले लिया? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, तुझ जैसा कमचूस। कमचूस कौन, मैं? अरे यार, मैं कहना चाहती हूँ, तुझ जैसे गरीब ने इसे कैसे ले लिया? एक्चुअली लेने से पहले मैंने 15.90 नहीं देखा था, इसीलिए ले लिया है, नहीं तो मैं नहीं ले पाती। बाबा रे बाबा, बहुत महंगा है। सो दोस्तों, प्राइस वाइज ये बहुत महंगा तो नहीं, बट महंगा जरूर है। तो इसके बाद चलिए चलते हैं इसके डिटेल रिव्यू के ओर। दोस्तों, हम सबको पता है ये पैड ब्लैक है, और इस वजह से भी, बट यही इसका वीक पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि कॉटन तो नेचुरली व्हाइट होता है, और ये पैड 100% कॉटन से बनाया गया है, तो कॉटन को ब्लैक करना पड़ा होगा, और व्हाइट कॉटन को ब्लैक करने के लिए कुछ तो यूज किया होगा सिरोना ने, और ये कुछ कहीं कलर तो नहीं है? अगर हाँ, तो यही हो गया ना इसका वीक पॉइंट। सो सिरोना के मुताबिक उन्होंने इसको ब्लैक करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया है, जैसे कॉर्न, सुगर केन, कसाफा एंड स्ट्रॉबेल। दोस्तों, सिरोना ने इन सब के कार्बन को यूज करके इस सैनिटरी पैड को ब्लैक बनाया है, तो ये कलर 100% ऑर्गेनिक है। सो इसका मतलब हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ए PLA यूजिंग हॉट नॉन स्प्रिंग प्रोसेस कौन सी चिड़िया है? मुझे भी नहीं पता है, तो चलो गूगल बाबा के पास। बाबा जी बताइए, PL यूजिंग हॉट एयर नॉन स्प्रिंग प्रोसेस क्या है? अरे बाबा जी, ये तो मुझे भी पता है कि सिरोना ने इस टेक्निक का यूज किया है, बट ये क्या है ये तो बताओ। फिर से वही, अरे ठरकी बाबा छोड़ो, ये बता दो PLA क्या होता है? ओके, तो बाबा के अकॉर्डिंग PLA एक पॉलिएस्टर है, जो कॉर्नस्टर्च या सुगर केन के कार्बोहाइड्रेट को यूज करके बनाया जाता है। ये एक टाइप का थर्मोप्लास्टिक है, और इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, एंड ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। दोस्तों, इसे डिस्पोज होने में 3 मंथ लगता है, बट सिरोना ने इस टेक्निक को कहाँ पे यूज किया है, कैसे यूज किया है, मुझे पता नहीं। एंड इस सवाल के जवाब के लिए मैंने सिरोना को ईमेल भी किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सिरोना की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। एंड मेरे अकॉर्डिंग इस प्रोसेस से इसका बैकसीट बनाया गया है, पर एक गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो इसके बाद ये पैड एंटीबैक्टीरियल है, और इसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं हुआ है, मतलब क्लोरीन, पैराबेन एंड अदर टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, और साथ ही में ये कलर फ्री भी है, इसका मतलब ये 100% सेफ है। देन सिरोना के मुताबिक इसका सुपर एब्जॉर्बेंट पावर है, और ये बिल्कुल सही है। इस मामले में इससे अच्छा पैड मैंने नहीं देखा है, इसे यूज करके मुझे कभी भी गीला गीला फील नहीं हुआ है, और एक
क्वालिटीज का बहुत ही अच्छा है और आई थिंक वीकनेस भी। एक क्या बात हुआ, यही तो बात है दोस्तों, इसे यूज करके मुझे कभी भी गीला गीला फील तो नहीं हुआ है और मैंने इस चक्कर में इसको बहुत लॉन्ग टाइम भी यूज किया है, बट फिर भी ये बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है। और साथ में ये ब्लैक है जिस वजह से देख के भी समझ नहीं आता है कि पैड कितना यूज हुआ है, और साथ ही में ब्लीडिंग का अमाउंट भी पता नहीं चलता है, मतलब सब कुछ इस अंधकार में डूब जाता है। एंड इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हुआ है और शायद आपको भी हो सकता है। एंड जिन लोगों को भी पीरियड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज इस पैड से दूर रहो, इसके ब्लैक अट्रैक्शन में मत फंसो। दोस्तों इसके एल साइज के पैड का लेंथ है 290 mm एंड विड्थ है 145 mm, दैट इज परफेक्ट साइज। और इसी साइज में अरिथा का नेचुरल ऑर्गेनिक पैड भी आता है एंड ये ब्लैक भी नहीं है तो हम इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एंड पर्सनली मैंने अरिथा को भी यूज किया है तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों सिरोना का ये पैड बहुत ही अच्छा है बट इसके ब्लैक वाले डिसएडवांटेज की वजह से मैं इसे दोबारा यूज नहीं करना चाहूंगी। सो दोस्तों आज यहीं तक, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।